कंपनी की है। देखिए ये रिपोर्ट। पटना में 17 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक जारी है। इसी बीच भाजपा इस सम्मेलन को लेकर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि विपक्षी एकता के नाम पर ये केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी की औपचारिकता भर है। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष केवल मोदी विरोध पर इकट्ठा हुआ है। पटना में होने वाली बैठक एक सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है। विपक्ष की उपलब्धि कुछ नहीं है, एक ही उपलब्धि उनकी होती है, मोदी विरोध, उस पर वो इकट्ठे हो रहे हैं। ये नेता अलग हैं, इनकी नीति अलग है, इनकी विचारधारा अलग है। वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का समन्वयक बना देने से विपक्षी एकता की तो लुटिया ही डूब जाएगी। बिहार की जनता कभी विश्वास नहीं किया, पूरा जनादेश नहीं दिया, वो व्यक्ति नेतृत्व करे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। माननीय नीतीश कुमार जी को कन्वेनर बना दें तो इनकी और पूरी लुकिटिया कांग्रेस की भी डूब जाएगी, और विपक्षी का तो पहले ही हार मान चुका है। वहीं कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार अभियान चला चुके प्रशांत किशोर, जिन्होंने अब जन सुराज का एक अभियान शुरू किया है, उनका कहना है कि नीतीश से पहले आंध्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी ये प्रयास शुरू किया था। नतीजा ये हुआ कि आंध्र में भी उनकी सरकार नहीं बची। प्रशांत किशोर ने सवाल किया कि राज्य विधानसभा में जेडीयू के केवल 42 सदस्यों के साथ नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षा पाल रहे हैं। तो नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 एमपी है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है, जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। फिलहाल अब से थोड़ी देर में विपक्षी एकता सम्मेलन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ये नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ये बैठक कितनी कारगर होती है ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। दक्षिण पश्चिम